फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जयास फूड पैलेस। आज मैं और एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ और वो है ज़ीब्रा केक। मैंने प्रीवियस वीडियोस में ब्लैक फॉरेस्ट केक, चॉकलेट केक और टूटी फ्रूटी केक भी दिखाया है। ज़ीब्रा केक बनाने के लिए मैंने यहाँ 400 ग्राम्स मैदा लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लावर, 5 एग्स लिया है, 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा, 1 बिग बाउल ऑयल, 3/4 कप ल्यूक वार्म मिल्क और 350 ग्राम्स पाउडर शुगर लिया है। अब हमें इसे प्री हीट करना है। मैंने नीचे सॉल्ट डाल दिया है और बीच में एक स्टैंड रख दिया है। हमें इसे 15 मिनट्स प्री हीट करना है। फर्स्ट 5 मिनट्स मीडियम फ्लेम पर और 10 मिनट्स लो फ्लेम पर हमें इसे प्री हीट करना है और इसके ऊपर एक लिड क्लोज करके रखना है। अब हमें इस मैदा को स्ट्रेन करना है। हमें स्ट्रेन करना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम स्ट्रेन नहीं करेंगे तो लम्स रह जाएगा और केक का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ये 400 ग्राम्स मैदा है। तो अब हमें इसमें 1/2 स्पून बेकिंग सोडा और 1 स्पून बेकिंग पाउडर डालना है और इसे स्ट्रेन करना है। अब हमें एक वेसल लेना है और इसमें एक बाउल ऑयल डालना है। और इसमें पाउडर शुगर डालना है। ये 350 ग्राम्स है शुगर पाउडर। और अब इसे हमें एक स्पून लेकर इसे मिक्स करना है, नहीं तो ये ऊपर उठ जाएगा शुगर पाउडर। बाद में इसे बीटर से, इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करना है। अगर आपको ऑयल कम लगा तो और 1/2 बाउल ऑयल डाल सकते हैं। तो मैंने 1/2 बाउल ऑयल डाला था पहले और इसे अच्छी तरह से बीट करना है। और अब हमें एक एक करके इसमें एग डालना है और इसे बीट करना है। हमें मीडियम स्पीड पर ही बीट करना है और इसी तरह से एक एक करके सारा एग्स डालकर हमें इसे 5 से 10 मिनट तक बीट करना है मीडियम स्पीड पर। तो अब मैं 1 स्पून मैदा डाल रही हूँ। तो अब मैं यहाँ वेनिला एसेंस डाल रही हूँ, 2 टीस्पून वेनिला एसेंस, नहीं तो 1 टेबलस्पून वेनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। और अब हमें 1-2 मिनट इसे बीट करना है। अब हमें इसमें धीरे धीरे करके एक एक स्पून मैदा डालना है। एक ही बार मैदा नहीं डालना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो अब हमें ये बैटर थिक लग रहा है तो मैंने यहाँ ल्यूक वार्म मिल्क 1/2 कप डाल दिया है।
अब बाकी का मैदा डालना है। तो सारा मैदा मैंने ऐड कर दिया है और इसे बीट करना है। हमें ज्यादा बीट नहीं करना है क्योंकि इसमें एयर बबल्स आ जाएगा और केक का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। हमें ये बैटर थोड़ा थिक लग रहा है, तो अब हम और थोड़ा मिल्क ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 3/4 कप ल्यूक वॉर्म मिल्क यूज किया है और इसे और थोड़ी देर के लिए बीट करेंगे। हमें बैटर थिक नहीं रखना है। अब ये केक बैटर रेडी है। मैंने यहाँ 2 बाउल लिया है। अब मैं दोनों बाउल में इक्वल प्रोपोर्शन में इस केक बैटर को डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। मैं यहाँ ज़ीब्रा केक बना रही हूँ, तो मुझे एक बैटर में कोको पाउडर चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली डिस्ट्रीब्यूट करूँगी इक्वली। तो मैंने यहाँ 2 टेबलस्पून कोको पाउडर लिया है। इसमें हमें थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। तो अब हमें इस कोको पाउडर स्लरी को इस केक बैटर में डालकर अच्छी तरह से मिक्स करना है। पूरी तरह से कंबाइन होना है इसे। अब हमें इस केक कंटेनर को ऑयल से ग्रीस करना है। मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके रख दिया है ऑयल से, और एक बटर शीट इसी शेप का कट करके डाल दिया है और इसे भी ऑयल से ग्रीस करना है। तो अब मैं इस केक टिन में 1 स्पून चॉकलेट केक बैटर डाल रही हूँ और 1 स्पून प्लेन केक बैटर डाल रही हूँ। हमें इसी तरह से एक एक स्पून डालते ही जाना है, 1 by 1। 1 स्पून कोको पाउडर बैटर और 1 स्पून प्लेन केक बैटर। इसी तरह से हमें लेयर करते ही जाना है। ये पूरी बैटर फिनिश होने तक हमें इसी मेथड फॉलो करना है। इसी तरह से हमें लेयर्स डालते ही जाना है। आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा ज़ीब्रा डिजाइन आ गया है। हमें थोड़ा पेशेंस चाहिए इसे बनाने में, लेकिन एंड का रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। अब हमें इसे धीरे से टैप करना है ताकि एयर बबल्स चला जाए। हमें केयरफुली टैप करना है, नहीं तो डिजाइन खराब हो जाएगा। अब हम इसके ऊपर डिजाइन करेंगे। हमें एक टूथपिक लेकर इसके ऊपर डिजाइन करना है और एक टिश्यू पेपर लेकर हमें इस टूथपिक को बार बार क्लीन करके लेना है। एवरी टाइम हमें क्लीन करके लेना है। हमें इसी तरह से डिजाइन देना है। अगर चाहिए तो और भी डिवाइड कर सकते हैं। हमें एंड से आते हुए बीच में एंड करना है। इस केक कंटेनर को इस प्री हीटेड वेसल में रखना है। हमें धीरे से रखना है, ये बहुत गर्म रहेगा। और इसके ऊपर एक लिड क्लोज करेंगे और इसके ऊपर एक क्लॉथ रखेंगे ताकि स्टीम अंदर ही रहे। हमें इसे बार बार खोल करके नहीं देखना है। हमें 40 मिनट्स के बाद एक बार देख सकते हैं। हम
इसे 55 मिनट्स बेक करेंगे। फर्स्ट 5 मिनट्स मीडियम फ्लेम और 50 मिनट्स लो फ्लेम पर बेक करेंगे। अब 55 मिनट्स हो गया है, अब हम लिड खोल करके देखेंगे। ये बन गया है, आप देख सकते हैं ये कितना अच्छा राइस हो गया है। अब हम इसे चेक करेंगे, एक नाइफ लेकर इसे प्रिक करके देखेंगे। ये क्लियर आ गया है, इसका मतलब ये रेडी है। अब हम गैस बंद करके इस केक को इसके अंदर 5 मिनट रखेंगे। अब ये केक पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब हम इसे केक टिन से डीमोल्ड करेंगे। हमें एक नाइफ लेकर इसे चारों तरफ से इसे लूज करना है ताकि ये आसानी से निकल आए बाहर। अब एक प्लेट लेकर इसे फ्लिप करना है, धीरे से करना है और इसके ऊपर थोड़ा टैप करना है। अब मैं बटर शीट निकाल रही हूं। और एक प्लेट लेकर इसे टर्न करना है। आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट और फ्लफी बना है और इसका डिजाइन भी अच्छा आया है, जीब्रा डिजाइन। अब मैं इसे कट करके दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट फ्लफी और अच्छा डिजाइन बना है। तो फाइनली ये यम्मी जीब्रा केक सर्व करने के लिए रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितना सॉफ्ट बना है और इसका जीब्रा डिजाइन्स भी कितना अच्छा आया है लेयर्स, और ये बहुत सॉफ्ट और फ्लफी बना है। आप भी इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मैं और भी नई रेसिपी के साथ आऊँगी और तब तक के लिए बाय और थैंक यू।